उसके बाद आता है header length. Header length is known as basically it is for 4 bit numbers. Header length 4 bit का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास let's say एक number है 1000. Now what is 1000? 1000 is 8. मतलब मेरा header जो है वो कितने का है? 8 byte का. लेकिन अभी हमने बात की थी कि यार TCP का header minimum 20 byte का होना चाहिए, लेकिन 1000 अगर मैं लेता हूं तो 8 ही बना. यहां पे हम यूज करते हैं स्केल ऑफ 4. स्केल ऑफ 4 मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी इसके अंदर उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? अगर 8 है तो 8 × 4 दैट इज 32 बाइट. मतलब अगर मैं यहां पे हेडर लेंथ की 4 बिट है तो 4 बिट में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 1111. तो व्हाट इज 1111? इट इज 15. तो मेरे को हमेशा जो भी नंबर यहां पे लेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट मींस 60 बाइट. यानी हेडर का साइज क्या है? 60 बाइट, जिसमें से 20 बाइट तो मिनिमम होना ही चाहिए. 40 बाइट यहां पे ऑप्शंस या पैडिंग कर दी हमने, एक्स्ट्रा बाइट जो है वो ऐड कर दिए इसके अंदर. अगर हम यहां पे हेडर की बात करें, अगर हम हेडर की बिट्स लें लेट्स से 0100, तो क्या ये वैलिड होगा? इस तरीके का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं. 0100 तो 4 बिट है, तो मैंने 4 बिट लिख दी. वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 0100, बट व्हाट इज 0100? इट इज 4. और 4 × 4 करेंगे तो ये क्या बनेगा? 16. लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? 20 बाइट का तो होना ही चाहिए. तो यानी 0100 इज नॉट अ वैलिड नंबर इन द हेडर लेंथ. तो हेडर लेंथ में हम कहां से लेते हैं? 0101, बिकॉज इट इज 5 and 5 × 4 20 बाइट. तो 0101 से लेके 1111 तक जो है वो नंबर्स यहां पे यूज करते हैं टू शो द हेडर लेंथ. उसके बाद आता है 6. यहां पे जो 6 बिट्स जो है वो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व की हुई है. उसके बाद आती है ये 6 बिट्स. अर्जेंट फ्लैग, इसको बोलते हैं फ्लैग्स. ACK फ्लैग, PSH फ्लैग, RST, SYN, FIN. इन हर एक फ्लैग्स का अपना एक एडवांटेज है. URG इज व्हाट? अर्जेंट. अर्जेंट मतलब कि अगर मेरे डेटा में कुछ डेटा अर्जेंट है, मतलब सारा का सारा डेटा तो अर्जेंट नहीं है, बट कुछ डेटा अगर मेरे डेटा में अर्जेंट है, तो अगर वो अर्जेंट है तो यहां पे हम वैल्यू का लिख देंगे 1. 1 का मतलब कि माय डेटा कंटेन्स सम अर्जेंट डेटा. देन ACK मींस इफ आई एम सेंडिंग सम एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट में हम यहां पे बिट लगा देंगे दैट इज 1. यहां पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ACK फ्लैग भी यूज करें और यहां पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यूज करें, मतलब 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट भी है और साथ साथ 1 बिट का एक्नॉलेजमेंट फ्लैग. फ्लैग इज जस्ट अ नोटिफिकेशन काइंड ऑफ, कि अगर फ्लैग बिट 1 है तो यानी इट इज अ एक्नॉलेजिंग, मतलब यहां पे एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रही है. एक्नॉलेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं 1, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या है? वो है 32 बिट का, कोई भी नंबर हो सकता है 0 to 2 raised to power 32 के बीच में, which is a very large number, because 32 बिट है तो मेरे पास कितने बनते हैं? 0 to 2 raised to power 32 - 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है. अगर हम यहां पे बात करें, अगर मैंने सेंडर को सेंड किया 1000 से लेके 1050 तक, तो रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजा? 1051. तो ये 1051 कहां लिखा होगा? यहां. लेकिन एक्नॉलेजमेंट की जो बिट होगी वो क्या होगी? 1. मतलब रिसीवर जो है वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है बाय यूजिंग द फ्लैग 1, एज वेल एज वो सेंड क्या कर रहा है? एक्नॉलेजमेंट का नंबर. लेकिन ये नंबर कहां लिखा होगा? ये यहां लिखा होगा. देन पुश. पुश इज व्हाट? PSH इज, मतलब अगर मेरे को कुछ डेटा सेंड करना है सेंडर ने अगर कुछ डेटा सेंड किया रिसीवर को, यहां पे हम यूज करते हैं. कई बार क्या होता है कि हम मतलब एक मिनिमम सेगमेंट का साइज होता है कि मेरे को इतना सेगमेंट का साइज भेजना है. लेकिन हम कई बार इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे चैटिंग वगैरह में हम बहुत बड़ा डेटा सेंड नहीं करते, हम एक एक बिट, जैसे हाय हेलो सेंड किया, तो जब हम एक एक बिट या एक एक बाइट का डेटा सेंड कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है रिसीवर जो है
वो डेटा को अपने बफर में कंटिन्यू रखता रहता है, मतलब पहले एक बाइट आया फिर दो बाइट आए, तो रिसीवर ने वो सारे बाइट्स अपने बफर में डाले हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर को कुछ टाइम बाद देगा। जब वो बफर भर जाएगा तो वो सोचता है कि यार मैं सारा डेटा आ जाने दो, एक बार इकट्ठा ही डेटा सेंड करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेरे को यहाँ पे पुश मतलब कि कुछ डेटा मैं चाहता हूँ कि नहीं बफर पूरा ना भरे, एक बाइट सेंड कर रहा हूं तो एक बाइट ही फटाफट किसको सेंड हो जाए, रिसीवर को पहुंच जाए और रिसीवर की एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट कर ले। मतलब जल्दी हम बात करें तो कई बार क्या होता है, जैसे हम कोरियर वगैरह करवाने जाते हैं तो मैं एक कोरियर करवाने गया मॉर्निंग में 9:00, तो वो मेरे को क्या बोलते हैं कि 12 या 1 बजे उनकी वैन आएगी वो, और वो इकट्ठे सारे कोरियर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पुश वाला फंडा नहीं काम हुआ, क्योंकि मैंने तो कोरियर 9 बजे भेजा, तो वो कोरियर वाला क्या कर रहा है, वो अपना बफर भर रहा है कि 9 से लेके 12 बजे तक सारे कोरियर आ जाने दो, इकट्ठे कोरियर वैन में चले जाएंगे। लेकिन कुछ कोरियर ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और मैं चाहता हूँ कि वो डेटा फटाफट पहुँच जाए, तो मैं उस केस में 12 बजे की वेट नहीं करूँगा। अगर मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ 9 बजे तो मैं कोरियर वाले को बोलूँगा कि अभी के अभी उसको पुश करो। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द पुश। तो अगर ये बिट 1 होगी तो इससे पता लग जाएगा कि इस डेटा को वहां पे वेट नहीं करवानी बफर में, फटाफट एप्लीकेशन लेयर को भेजो। RST दैट इज अ रीसेट। रीसेट मतलब कई बार हमें कनेक्शंस को रीसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीसेट, दैट इज RST। ये हम कैसे TCP कनेक्शन बनाता है, 3-way हैंडशेकिंग और क्या क्या वैल्यूज यूज करता है उस टाइम पे, हम डिटेल में देखेंगे। अभी सब सिर्फ ओवरव्यू के बारे में बात करें। यहाँ पे SYN flag इज व्हाट इट इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि जब हम डेटा को सेंड करते हैं, जब हम कनेक्शन बनाते हैं, तो पहला जो पैकेट होगा वो हमेशा क्या होगा, SYN flag। जो भी पहला बाइट जाएगा, मतलब कनेक्शन बनाने के टाइम पे हम SYN flag को हमेशा 1 करते हैं, इससे पता लग जाएगा कि जो कोई भी एक बंदा है वो मेरे से कनेक्शन बनाना चाहता है, मतलब सर्वर से कनेक्शन बनाना चाहता है, तो वो अपने SYN flag को क्या भेजेगा, 1 करके भेजेगा। और साथ साथ अगर हम यहाँ पे डेटा फिन की बात करें, फिन मतलब कि डेटा जो है, मतलब कनेक्शन को अब हमें फिनिश करना है, टर्मिनेट करना है, तो जब लास्ट डेटा सेंड होगा, लास्ट बाइट में हम क्या करेंगे, फिन फ्लैग को 1 कर देंगे। इससे पता लग जाएगा कि जो सेंडर है या क्लाइंट है वो अपना कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट करना चाहता है। सो दैट इज वाई वी यूज द फिन फ्लैग। नेक्स्ट इज द विंडो साइज। व्हाट इज द विंडो साइज, 16 बिट। मतलब 16 बिट का मतलब है 65535, मतलब 0 to 65535। तो जितना भी सेगमेंट मुझे सेंड करना है, ये विंडो साइज बेसिकली हम यूज कर रहे हैं रिसीविंग विंडो के लिए। रिसीविंग विंडो मतलब कि जब एक सेंडर सेंड करता है डेटा, तो वो अपना विंडो भी एडवर्टाइज कर देता है कि जब तू मुझे डेटा सेंड करे तो मेरे डेटा का जो साइज है, जो डेटा मुझे सेंड कर रहा है, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक सेंडर जो है वो डेटा सेंड करने के टाइम अपनी जो है विंडो भी साथ में सेंड कर देता है, अपना जो कैपेसिटी भी साथ में बता देता है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है। और जब रिसीवर डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर भी अपनी विंडो बता देगा कि हाँ यार मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो मेरे को इतना ही डेटा सेंड करो, बिकॉज TCP जो है वो फुल डुप्लेक्स की तरह काम कर रहा है। तो जब ए बी के साथ कनेक्शन बनाएगा तो ए अपनी विंडो का साइज उसमें एडवर्टाइज कर देगा। मतलब लेट से कि मेरी विंडो का साइज है 10,000, तो वो 10,000 इसके अंदर लिख के भेज देगा, तो बी को पता लग जाएगा कि ए 10,000 से ज्यादा का डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब बी ए को डेटा सेंड करेगा तो वो भी अपनी विंडो को एडवर्टाइज कर देगा, लेट से 20,000। तो जब ए के पास ये पैकेट आएगा तो ए समझ जाएगा कि बी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 20,000 की। तो यानी ये अपना अपना कैपेसिटी जो है वो विंडो साइज में लिख के बता देते हैं। इससे हम फ्लो कंट्रोल जो है वो मैनेज करते हैं बाय यूजिंग द विंडो साइज। चेकसम। चेकसम इज अ 16 बिट दैट इज यूज्ड फॉर एरर कंट्रोल। मतलब हरे यहां पे हम सूडो चेकसम की बात करेंगे जब हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो चेकसम यहाँ पे एडवांटेज क्या है इसकी, ये एरर कंट्रोल में हेल्प करता है। डेटा लिंक लेयर में हम यूज करते हैं CRC और ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं हम चेकसम। अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर इज व्हाट, 16 बिट। जैसे कि हमने बात की अर्जेंट फ्लैग में कि अगर मेरे डेटा में कुछ अर्जेंट है तो फ्लैग बिट क्या होगी, 1। लेकिन वो डेटा है कहाँ,
मतलब कहां से लेके कहां तक डेटा है, उसकी रेंज क्या है। वो रेंज जो है वो अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि मेरा लेट्स से कि 1000 से लेके 1020 तक मेरा डेटा जो है वो अर्जेंट है। तो अर्जेंट पॉइंटर बताएगा कि इतना डेटा मेरा जो है वो अर्जेंट है, बाकी का डेटा नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। देन ऑप्शन एंड पैडिंग, ऑप्शन एंड पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा बिट, एक्स्ट्रा डेटा इफ आई वांट टू सेंड देन वी कैन सेंड थ्रू द ऑप्शंस एंड पैडिंग। इसमें हम एक चीज जो मेजरली यूज करते हैं दैट इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज, जिसको हम बोलते हैं MSS। MSS मतलब कि एक सेगमेंट का साइज जो है वो कितना होना चाहिए। यहां पे हम दो चीजों की बात की, हमने MSS और विंडो साइज। MSS का मतलब क्या है कि जब हम डेटा सेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकता है एक पैकेट का साइज उसने बना दिया लेट से 65500, इतना बड़ा सेगमेंट भेज दिया। लेकिन जब ये सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा और फिर डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो जब रिसीवर पे आएगा तो रिसीवर में भी सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर पे मैक्सिमम सेगमेंट का साइज होता है, अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं दैट इज अ 1500 byte। तो ये MSS मतलब मेरे नेटवर्क में, ये हर एक नेटवर्क का अपना एक MSS होता है, अपना एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है। तो जनरली जब भी ए और बी, जब भी दो एंटिटी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो अपना MSS मतलब मेरे मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है वो अपना ऑप्शंस में भेज देते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अगर मैं विंडो साइज की बात करूं, विंडो साइज क्या है, टोटल कैपेसिटी। मतलब लेट्स से कि विंडो साइज में लिखा हुआ है 10,000 क्या है, 10,000 byte total I can accept। लेकिन अगर MSS है let's say 1000 byte का, मतलब एक segment का size कितना होना चाहिए, 1000। तो यानी मैं indirectly क्या बता रहा हूं कि आप 1000 के 10 segment भेज सकते हो, तो ताकि मेरी जो capacity है 10,000 byte की वो मेरी complete हो जाए। तो अगर window का size 10,000 है, it doesn't mean it is a MSS। कई बार student confused हो जाते हैं window size और MSS में। window size मतलब मेरी total capacity कितनी है, 10,000। लेकिन मैं एक पैकेट जो है वो कितने साइज का एक्सेप्ट कर सकता हूं, 1000। तो 1000 बाइट के अगर मेरे को 10 पैकेट भेज दो तो यानी मेरी कैपेसिटी जो है वो प्रॉपरली फुलफिल हो जाएगी। सो दिस इज द MSS वैल्यू विच वी सेंड जनरली इन द ऑप्शन एंड पैडिंग। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द TCP हेडर। वी विल चेक द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी वन बाय वन। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द TCP।